صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها نور الأسفار وغوائها عليه وصحبه بارك وسلم. سورة مائدة شريف کی ایک آیت کریمہ کا بہت مختصر سا جز میں نے تلاوت کیا ہے. اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت تیمم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو پانی نہ ملنے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر آدمی کو قدرت نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے یہاں اسلام میں پاکی اور صفائی بڑی چیز ہے. حدیث میں آیا ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ ستھرائی پر ہے، صفائی پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر جو احکام رکھے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کے صدقے میں وہ نہایت آسان ہے. اب ہم کو پاکی کا حکم ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے یا پانی استعمال کرنے پر ہم کو قدرت نہیں ہے، ٹھنڈک لگ رہی ہے، پانی استعمال کرنے میں جو ہے جان جانے کا خطرہ ہے یا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمارے لیے جو ہے مٹی کو بھی جو ہے ہماری پاکی کا سبب بنایا ہے. جس مٹی پر ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے جو ہے ہم کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کو پانی نہ ملے تو اسی مٹی پر ہاتھ مار کر، اور حدیث میں اس کی کیفیت یہ آئی کہ ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ دے اور یوں منہ سے جو ہے دونوں ہاتھوں میں جو ہے پھونک دے، جو مٹی اور گرد و غبار لگا ہوا ہے وہ لگنا ضروری نہیں ہے، صرف اتنا آپ نے کر لیا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو آپ کو پاکی کا حکم ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر لیے اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ نے دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا، دونوں ہاتھوں پر آپ نے پھیر لیا، آپ کی پاکی ہو گئی. اگر آپ کے پر نہانا فرض ہے اور آپ کو پانی نہیں ملتا یا پانی پر قدرت نہیں ہے، تو
तो यही गुस्ल के कायम मकाम हो गया। और अगर आपके ऊपर वजू फर्ज है और पानी नहीं मिल रहा है, या पानी मिल के इस्तेमाल पर आप कादिर नहीं है, पानी आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो यही आपका वजू हो गया। इसीलिए हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हों ने एक बाब बांधा, बाब सईद तय्यिब वुज़ूउल मुस्लिम यकफीह मिनल मा। ये बाब इस बात के बयान में है कि पाक मट्टी जो है वो मुसलमान का वजू है, उसको जो है वो पानी से बेनियाज करती है और पानी के वो कायम मकाम है। ये आयत करीमा क्यों उतरी इस पर भी जरा सा गौर कर लीजिए। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम एक गजवे में तशरीफ ले गए। उस गजवे में हुजूर की चहीती प्यारी सबसे ज्यादा लाडली बीवी हमारी माँ उम्मुल मुमिनीन सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा हज़रत अबू बकर की बेटी भी मौजूद थी। एक जगह पर जो है पड़ाव डाला, चलते चलते जो है रुके उस गजबे से गालिबन वापसी में। जो चलते चलते जब रुके तो आपका हार जो है वो गुम गया, और ये रात का वक्त था। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम जो है बेदार हुए तो उस वक्त पानी नहीं था और इनका हार गुम गया, तो ये हजरत आयशा की फजीलत है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने का हार तलाश करो, हार नहीं मिला। फिर जब चलने लगे तो हार उसी ऊंट के नीचे मिल गया, जिस ऊंट जो ऊंट हजरत आयशा का था उसी ऊंट के नीचे हार मिला। और लोगों को सख्त परेशानी का आलम, नमाज पढ़ना थी, पानी नहीं है तो कैसे करें क्या करें। तो हजरत आयशा की फजीलत यह है और इन सहाबाए किराम की करामत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर यह आयत करीमा उतारी कि अगर तुम सफर में हो या मरीज हो या तुमने औरतों से सोबत की हो और तुम्हें जिनाबत लायक हो और तुम्हें पानी न मिलता हो या पानी पर इस्तेमाल की कुदरत तुमको न हो, तो पाक मट्टी ले लो और उससे तयम्मुम कर लो, यही तुम्हारा गुस्ल हो जाएगा, यही तुम्हारा वजू हो जाएगा। अब यह कहा जाता है कि कोई किसी की मुश्किल जो है आसान नहीं कर सकता, और हमारा सुन्नियों का अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के करम से मामूली लोगों से, मामूली लोगों के जरिए से, छोटे छोटे लोगों के जरिए से बड़े बड़े लोगों की जो है मुश्किलें आसान होती हैं। मैं पूछता हूं कि अगर भंगी न हो, चमार न हो, जूते गाँटने वाला न हो, ये जो आपके जो है पेशे वाले हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, ये छोटे छोटे लोग हैं, अगर ये लोग न हो तो आपका कोई काम चल सकता है? तो ये छोटे छोटे लोग जो हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इनको इतनी कुदरत दी है कि बड़े बड़े लोगों की जो है ये मुश्किलें आसान कर देते हैं।
तो जो अल्लाह के यहां जो बड़े हैं उनका क्या कहना है, उनके जरिए से जो है लोगों की मुश्किलें आसान नहीं होंगी। हजरत उसैद इब्ने हुदैर कहते हैं, जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हजरत उसैद इब्ने हुदैर कहते हैं कि मा हाजिही बिअव्वल बरकतिकुम या आला अबी बकर, ए अबू बकर की आल, ए अबू बकर की फैमिली, ए अबू बकर के मानने वालों, ए अबू बकर के खानदान वालों, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं है और पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है कि तुम्हारे सबब से मुसलमानों की मुश्किलें आसान हुई हैं, बल्कि ऐसा होता ही रहता है। तो ये तो एक हदीस हुई, इसी हदीस के तहत जो है दूसरी हदीस एक सुन लीजिए। हजरत इमरान इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो से यह हदीस मरवी है, वो कहते हैं कि हम हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में चले और जब रात हो गई तो हम लोग जो है कमर टेकने के लिए जो है थोड़ी देर के लिए लेट गए। थक जाता है मुसाफिर तो लेट जाता है, और थकना जो है ये तो हर आदमी का जो है एक नेचुरल जो है एक वो है कायदा है कि थकेगा, काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो मतलब यह है कि टायर्डनेस जो है मस्ट है, वो टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा, तो वो मतलब यह है कि रेस्ट रिक्वायर करेगा। तो ये लोग लेट गए, हुजूर भी आराम फरमाने के लिए जो है जमीन पर जो है तशरीफ फरमा हुए, हुजूर ने भी आराम फरमाया। अब कहते हैं कि वो आखिरी रात की नींद जो है मुसाफिर को इतनी प्यारी होती है कि उससे ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं होती। लेट गए, मजे की नींद आ गई। अब सुभान अल्लाह, हमारा तुम्हारा सोना और है, नबी का सोना और है। नबी सोए, नबी के सहाबा सोए, सूरज निकल आया। कहते हैं कि अब हम लोगों को जो है सूरज की धूप ने जगाया। अब कहते हैं कि फला ने फला जागा, फला जागा, फला जागा, तीन आदमियों के नाम जो है उन्होंने जो है गिनाए नहीं। चौथा नाम बताते हैं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो, वो जागे। रिवायत में आता है कि अशबह यह है कि पहले हजरत अबू बकर जागे, फिर हजरत इमरान इब्न हुसैन, जो इस किस्से के और इस हिकायत के जो है आईनी शाहिद थे, आई विटनेस थे, वो जागे, और चौथे हजरत उमर इब्न खत्ताब, और तीसरे कोई साहब और जागे। और सहाबा को अब नमाज की जल्दी कि नमाज कजा हो गई। हम जैसे लोग थोड़ी थे सहाबा कि हम जैसे लोग जो है वो खावे खरगोश में जो है मुबतला रहते हैं, नमाजें कजा हो जाए, जिंदगी भर नमाज नहीं पढ़े तो किसी को जो है कोई गम नहीं होता है। ये हुजूर के सहाबा थे। अब हुजूर के सहाबा की अजीब हालत, लेकिन हुजूर का अदब भी जो है कितना था, इतना था कि वहाबी को अपनी नमाज पे नाज है, लेकिन सहाबा को जो है अपनी नमाज हुजूर के अदब के आगे कुछ नहीं समझते थे। सहाबा जो है अब परेशान है कि नमाज हमारी जो है कजा हो गई, हुजूर जागे तो बताएं, हुजूर जो है आराम फरमा रहे हैं। अब अगर जो है बड़े भैया समझते या मामूली जो है मामूली बाप समझते, एक जो है ऑर्डिनरी जो है फादर समझते, तो एक सन जो है ऑर्डिनरी फादर को जो है उठा सकता है कि डैडी उठो। अगर जो है बड़ा भाई समझता है तो दूसरा भाई जो है उठा सकता है कि भाई उठ जाओ। लेकिन ये सहाबा थे, हुजूर का कैसा अदब करते थे। कहते हैं कि हुजूर जब सो जाते थे हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी कि उनको जगाएं, हुजूर खुद जब जागते थे
हम इंतजार करते रहते थे। हुजूर जब खुद जागते थे तो वो खुद ही जागा करते थे, हमारे अंदर जगाने की हिम्मत नहीं। हजरत उमर इब्न खत्ताब को कहते हैं कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हो, रावी ये कहते हैं कि वो जो है दीन के मामले में जो है सख्त थे। तो उन्होंने जब ये देखा कि सहाबा को, उनके जो है रफका को और उनके कंपेनियंस को और उनके साथियों को परेशानी लायक है, तो उन्होंने क्या तरकीब सोची? हुजूर को झंझोड़ा नहीं, हुजूर को छुआ नहीं, हुजूर से यह नहीं कहा कि हुजूर जागिए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर जोर जोर से तकबीर कहने लगे और अपनी आवाज जो है बुलंद करने लगे, यहां तक कि हुजूर हजरत उमर की तकबीर की आवाज से जो है जागे। जब जागे अल्लाहु अकबर, तो सहाबा ने जो है अल्लाह से नहीं कहा, हुजूर से जो है अपनी फरियाद बयान की। क्या मालूम हुआ? सहाबा के तरीके से मालूम यह हुआ कि उम्मती का काम यह है कि वो नबी से फरियाद करे, और नबी का काम यह है कि वो खुदा की दी हुई कुदरत से जो है उम्मती की मुश्किल को आसान करे। तो अब जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहां से चलो, थोड़ी दूर चले, उसके बाद जो है नमाज के लिए जो है अजान दी गई। इससे मालूम यह हुआ कि अगर जमात की नमाज कजा हो जाए तो अजान भी दी जाएगी, इकामत भी कही जाएगी और जमात से उस कजा नमाज को पढ़ा भी जाएगा। यह हुजूर के फेर से मालूम हुआ। चले, हुजूर ने जो है वजू फरमाया और फिर जो है नमाज हो गई, फिर वहां से जो है चल पड़े। अब लोगों को प्यास लगी और पानी नहीं है, तो अब सहाबा ये नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह बारिश बरसा दे, ए अल्लाह पानी भेज दे। अब भी जो है हुजूर के पास हाजिर हुए और फरमा रहे हैं कि हुजूर प्यास लगी है, हुजूर जो है हुजूर से कह रहे हैं कि हुजूर प्यास लगी है। तो यही जो है सहाबा के फेर से क्या मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला के खास बंदों से मदद मांगना और मुश्किल के वक्त जो है उनके पास आना और उनसे उन जो है अपनी मुश्किल में जो है फरियाद करना और हाजत रवाई चाहना जो है, ये सहाबा का तरीका है। यही तो मसलक आला हजरत है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है फितरत रसूलुल्लाह। तो अब सरकार ने जो है फरमाया, सरकार चाहते तो इशारा कर देते, बादल उठाता, बारिश हो जाती, लेकिन इस मौके पर जो है सरकार ने फरमाया और यह तकाजा हुआ कि कुछ सहाबा की भी कोशिश हो। तो सरकार ने अपने एक सहाबी को बुलाया जिसका रावी ने जो है नाम भूल गया, रावी नाम भूल गए उसका, और एक दूसरे सहाबी हजरत अली, और इन दोनों से कहा कि जाओ पानी को तलाश करो। अब उन्होंने जो है पानी को तलाश किया। ऐसा नहीं है कि हुजूर को मालूम नहीं था, हुजूर को मालूम था कि ये किस समत में जाएंगे, कहां पानी मिलेगा और इनको कौन मिलेगा और किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है पानी का होगा, सब मालूम था, लेकिन सहाबा को पहले से नहीं बताया। और सहाबा का जो है सुभान अल्लाह क्या अकीदा था, हुजूर के हुक्म के जो है और उनके हुजूर के इशारे के जो है वो मुंतजिर थे, हुजूर का इशारा हो जाए, हुक्म हो जाए, उस हुक्म में चूरो चिरा नहीं करते थे। इन दोनों ने यह नहीं कहा कि किधर जाएं, हैं पानी किधर है, कुछ नहीं, हुजूर ने भेजा और ये चल पड़े। देखा एक औरत जो है वो ऊंट के ऊपर ऐसे बैठी हुई है कि एक तरफ एक मशक है, दूसरी तरफ दूसरी मशक है, दोनों मशकों के दरमियान जो है वो जो है स्किन बैग ऑफ वाटर
भरे हुए हैं और उन दोनों के दरमियान जो है वो औरत जो है बैठी हुई है, चली जा रही है। इन्होंने पूछा, ए औरत पानी कहां है? वो कहती है कि पानी यहां दूर दूर तक नहीं है, कल मुझको इसी वक्त पानी जो है किसी दूसरी जगह पर मिला था। तो सहाबा ने कहा, इन दोनों ने कहा कि चलो फिर। वो कहने लगी कि कहां चलूं? इन्होंने कहा इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के पास चलो। वो कहने लगी कि क्या ये वही है जिनको कहा जाता है साबे? साबे के माने जो है, साबे के माने अरबी में आते हैं जो अपने दीन को छोड़ करके दूसरे दीन की तरफ मुंतकिल हो जाए। तो मुशरिकीन का उस वक्त जो है ये ख्याल था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़ दिया है, इसलिए उनको साबे कहते थे। और साबे जो है एक और फिरका है जो मजूसियों के दरमियान और नसारा के दरमियान जो है उनका मजहब है। और बाज लोगों ने कहा कि वो जो है फरिश्तों को पूछते हैं, बाज लोगों ने कहा कि वो तारों को पूछते हैं। बहरहाल तो सहाबा का अदब देखो, सहाबा ने ये नहीं कहा कि हां वही है, कहा कि तुम जो कह रही हो, तुम जिनको मुराद ले रही हो ये वही हैं। ये नहीं कहा कि वो साबे हैं। अगर ये कहते तो मकसद फौत हो जाता, अगर ये कहते कि नहीं तो भी जो है मतलब यह है कि खिलाफ अदब था। तो ये सहाबा का अदब था। वो औरत को लेकर के चले, यहां तक के हुजूर के पास उस औरत को लेकर के आए और सारा माजरा बताया कि ये औरत हमको इस रास्ते में मिली। फिर रावी कहता है कि उन सहाबा ने जो है कहा औरत से कि अपने ऊंट से उतरो। वो औरत जो है ऊंट से उतरी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है दोनों मशकों को लिया और मशकों में जो है एक मुंह जो है उसका ऊपर की तरफ होता है, एक मुंह नीचे की तरफ होता है। तो नीचे की तरफ का जो मुंह था उसको खोल दिया और एक बर्तन मंगाया और उस बर्तन में जो है दोनों मशकों के मुंह को उंडेल दिया। थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो रिसने लगा और सुभान अल्लाह। और उसके बाद जो है सरकार ने फरमाया कि ए सहाबा, जिसको पीना है वो पिए और जिसके जानवर प्यासे हैं वो अपने जानवरों को पिलाए, जानवरों को पिलाओ, खुद पियो। और हां ये मैं भूल गया कि ये बाब बांधा था इमाम बुखारी ने इस बाब के लिए कि तयम्मुम और पाक मिट्टी जो है वो गुस्ल में और वजू में काफी है, पानी से जो है पानी के कायम मकाम है। एक सहाबी बैठे हुए थे, सबने नमाज पढ़ ली, उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। उनसे पूछा कि क्यों नहीं नमाज पढ़ी? उन्होंने कहा कि मुझे जनाबत लाहिक हो गई, मुझ पर गुस्ल फर्ज है। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें जो है तयम्मुम काफी था, तुम्हें लाजिम था कि तयम्मुम कर लेते। बहरहाल उसके बाद जो है फिर जब ये पानी का ये आलम हुआ और पानी में इतनी अफजाइश हुई तो सबने जो है सैराब होकर के पानी पिया और अपने जानवरों को पिलाया। और उन सहाबी को जो है एक डोल या एक बाल्टी या एक बर्तन जितना जो उनके लिए जो है काफी था होता था वो दे दिया कि ले जाओ इस पानी को और अपने सर जिस्म पर डालो और गुस्ल कर लो, नहा लो, अपनी जनाबत को दूर कर लो। उनको वह पानी दे दिया। अब सहाबा कहते हैं कि खुदा की कसम वो मशकें जो है उससे ज्यादा जो है भरी हुई थी, जो उनमें मतलब यह है कि इब्तदाई हालत में जो पानी था हुजूर के जो है तालिबन रिवायात में यह भी आता है कि हुजूर ने उसमें कुल्ली फरमाई, तो हुजूर की कुल्ली की बरकत से जो है यह बरकत हुई कि मशकें जो है और लबालब जो है भर गई और वो औरत जो है देखती रही। यहां तक कि जो है उसको बहुत देर हो गई और जब वो गई तो उसके मर्दों ने, उसके घर वालों ने पूछा कि कहां रुक गई थी?
और क्या किस चीज ने तुझको रोका? तो उसने कहा मैंने आज अजब माजरा देखा, ये जिनको कहा जाता है कि इन्होंने अपना दीन बदल दिया है और अपने दीन से जो है दूसरे दीन की तरफ मुंतकिल हो गए हैं, वो कहती है खुदा की कसम अपनी दो उंगलियां उठा करके कि ये जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो ज्यादा जो है सबसे बड़े जादूगर हैं, यानी आसमान और जमीन के दरमियान अगर जादूगर हैं तो उनमें सबसे बड़े जादूगर जो है ये हैं। और या कहती है कि या ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद जो है ये पता चला सहाबा के रविश से, पता चला कि सहाबा जो है जब सहाबा को प्यास लगती थी, जब सहाबा को कोई मुसीबत होती थी तो सहाबा जो है हुजूर के पास आते थे, और सहाबा के अकीदे से यह मालूम हुआ कि रसूल का मनसब यह है और रसूल का डिफिनेशन यह है कि रसूल का डिफिनेशन यह है कि रसूल जो है उसको कहते हैं जो लोगों की मुश्किलें जो है आसान करता है। अल्लाह रसूल को रसूल बना करके इसीलिए भेजता है कि वह अपनी उम्मत की मुश्किलें आसान करे। अल्लाह अकबर। अब इस रिवायत में जो है इसमें जो है बाद लोगों ने कहा कि ये कब वाकया हुआ, बाद लोगों ने कहा कि ये जब खैबर से वापस हो रहे थे जब वाकया हुआ, बाद लोगों ने कहा कि जब हुदैबिया से वापस हो रहे थे जब वाकया हुआ, तो हुदैबिया में जो है 1500 आदमी थे, और बाद लोगों ने कहा कि जब तबूक से वापस हो रहे थे जब ये वाकया हुआ, बाद लोगों ने कहा कि जैशुल उमरा का ये वाकया है, और बाद लोगों ने कहा कि ये के मुतअद्दिद बार का ऐसा वाकया हुआ है। मुतअद्दिद बार सहाबा को प्यास लगी और हुजूर ने जो है उनकी मुश्किलों को जो है आसान फरमाया। तो ये सहाबा का अकीदा था और सहाबा के अकीदे से मालूम यह हुआ कि रसूल का मनसब यह है कि उम्मत की मुश्किलों को आसान करे, और रसूल का सिर्फ यही मनसब नहीं है कि उम्मत की मुश्किलों को आसान करे, बल्कि रसूल जो है जिसको चाहता है मुश्किल कुशा बना देता है। रसूल के सहाबा जो है मुश्किल कुशा है, रसूल की उम्मत के गुलाम मुश्किल कुशा है, मेरे गौस जो है मुश्किल कुशा है। और कैसे मुश्किल कुशा है, पीरे पीर है, पीरे दस्तगीर है कि फरमाते हैं कि अगर मेरे मुरीद का जो है छत्र जो है पूरब में खुल जाए तो मैं जो है अगर मगरिब में हूं तो वहीं से उसका छत्र ढकूं। इसीलिए तो हजरत अली मुश्किल कुशा, हम लोग हजरत अली मुश्किल कुशा क्यों कहते हैं, हुजूर ने उनको अली मुश्किल कुशा बनाया है। खैबर का वो वाकया याद करो, हुजूर जो है खैबर की जंग के लिए तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, और खैबर जो है वो एक मरहला ऐसा आया कि खैबर की जंग जो है वो लंबी होती चली गई। क्या सरकार जो है खुद उस जंग को फतह नहीं कर सकते थे, हैं? चाहते तो एक इशारा करते जंग फतह हो जाती, चाहते तो फरिश्ते जो है आते और हुजूर की तरफ से लड़ते जंग फतह हो जाती, लेकिन हजरत अली का मर्तबा बढ़ाना था, हुजूर ने हजरत अली को जो है छोड़ दिया मदीने में। और हजरत अली जैसा बहादुर, वो फरमाते हैं कि आप मुझको औरतों बच्चों में छोड़े चले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन हुजूर के हुक्म से जो है मदीने में रह गए, दिल नहीं माना, अब जो है चले आए। और सहाबा जो है खुश होकर कहते हैं हाजा अली कज्जा, ये अली है, लो ये भी आ गए, अल्लाह अकबर। और उनका आलम ये कि लड़ने के लिए आ तो गए लेकिन आंख दुख रही है, आंख में आशोभ है, सरकार ने फरमाया कि कल के दिन जो है मैं उसको झंडा दूंगा जो अल्लाह को और रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। और सरकार ने कल की खबर भी दे दी। कुरान में यह है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, लेकिन सर हदीस में यह बात मालूम हो रहा है कि सरकार बता रहे हैं कि कल जो है फतह होगा खैबर, कल खैबर फतह होगा। तो क्या मतलब हुआ, कि मतलब यह हुआ
कि कोई अपनी तरफ से नहीं जानता है, लेकिन खुदा रसूल को बता दे तो रसूल जो है जान सकता है, बता सकता है, और रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर। तो सरकार ने फरमाया कि कल खैबर फतह हो जाएगा, उसको झंडा दूंगा जो जिसको अल्लाह और रसूल पसंद करते हैं, और जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है, और वो अल्लाह और अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं। फिर हजरत अली को बुलाया गया और उसके बाद जो है उनको झंडा दे दिया, और हजरत अली ने जो है उस वक्त के मुश्किल किसानों की मुश्किल आसान की। अली हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिए हुए इख्तियार से, उनकी पावर से, उस पावर से जो रसूल ने दी थी, अल्लाह अकबर, किसकी? हजरत उमर की मुश्किल है, और हजरत अबू बकर की मुश्किल, और तमाम सहाबा की मुश्किल जो है हजरत अली ने आसान की। आता है हदीस में कि खैबर का दरवाजा जो है वो टूटता नहीं था, लेकिन ये बाजुए हैदर है कि हैदर ने जो है एक बाजू से जो है उसको जब उखेड़ा है तो वो उखड़ गया, और फिर उठाने वालों ने जो है उसको उठाना चाहा तो 70 लगे तो उसको उठा पाए। तो ये है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा कि हम जो अकीदा रखते हैं उसकी सनद रखते हैं, हैं? अहले सुन्नत वल का बेका है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।